打上啊，就是这儿，看好了。लेनियों से पंगा इज नॉट चंगा। ये लोग इस लड़की को छेड़ने आए थे, अब देखो इनकी हालत, ये खुद खंबे से बंधे हुए हैं। लेनियों इनसे कहने लगती है कि मैं हॉट हूँ ना, आओ देखो मुझे और छेड़ो मुझे, मैं तुम सबको गंजा कर दूंगी, मजा आ रहा है ना, तुम सब मेरी वीडियो बनाने आए थे, अब मैं तुम लोगों की वीडियो बनाऊंगी, वो भी लाइव वाला। तुम लोग मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मालूम होना चाहिए कि तुम लोग कितने घटिया इंसान हो। फिर लिन्यू लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है और अपने व्यूवर्स को बताने लगती है कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये लोग दिन की रोशनी में मुझे छेड़ने आए थे, लकीली मैं स्मार्ट और स्ट्रांग हूँ, मैं तुम सबको भी बताना चाहती हूँ कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए, अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो उसे सीधा यहाँ पे लात दे मारना। अब मैं आप सबको डेमो दिखाती हूँ, गौर से देखना, इन गुंडे लोगों की तो शामत आ गई। गुंडे लोग कहने लगते हैं कि मैडम हमें माफ कर दे, आइंदा से हम किसी लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं। लीजन भी यहाँ पे पहुँच गया, ये लिनियो को गले लगा के कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बाहर मत जाना, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। लिनियो कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को बाहर जाने से कैसे रोक सकते हो, ये तो गलत है, मैं कोई मैस्कर तो नहीं हूँ। लीजन जवाब देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। लिनियो कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे कंट्रोल करने का बहाना चाहिए, पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। लीजन इसे हक कर लेता है, लगता है कि लीजन को इस लड़की से प्यार होने लगा है। लिनियो कहने लगती है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है, लोग देख रहे हैं, हेलो व्यूअर्स, ये मेरे हस्बैंड जी हैं जो मुझे पिक करने आए हैं। लो जी, लीजन ने तो इसे सच में पिक कर लिया, मतलब कि ये इसे उठा कर ले गया। लिनियो कहने लगती है कि अरे मेरा मोबाइल। वो जवाब देता है कि असिस्टेंट सब संभाल लेगा, तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर में देखते हैं। लिनियो इसे सॉरी बोलती है और कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी। लीजन इसके पास आके कहने लगता है कि लिनियो सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, तुम अलग इन्वायरमेंट में ग्रो हुई हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ बुरे लोग भी हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी स्टेप मॉम मुझसे नफरत करती हैं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, अब जबकि तुम मेरी वाइफ बन गई हो तो वो ज़रूर तुम्हें भी नुकसान पहुँचाना चाहेंगी, वो मुझे कमज़ोर करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, आज जो तुम्हारे साथ हुआ ये तो बस शुरुआत थी, तुम भले ही काफ़ी स्ट्रांग हो और किसी से भी नहीं डरती, पर वो लोग काफ़ी ख़तरनाक हैं, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। सॉरी जो मैंने तुम्हें ये बातें पहले नहीं बताई, भले ही तुम मुझे सेल्फिश समझो पर मैं मजबूर हूँ, मुझे मेरी मॉम के शेयर्स हर हाल में चाहिए, जब मुझे वो शेयर्स मिल जाएंगे तब हम दोनों अलग हो जाएंगे और डिवोर्स ले लेंगे, तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाना, फिर मेरी स्टेप मॉम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। ये सारी बातें सुन के लिनियो कहने लगती है कि ओ तो ये बात है, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी डिफिकल्ट है, तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो, फिर देखो कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें जल्दी से शेयर्स मिल सकें। लीजन जवाब देता है कि तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ओके। तभी असिस्टेंट आके लीजन को बताने लगता है कि बॉस बैड न्यूज़ है, शिंग्याओ ट्रस्ट ने कॉल करके बताया है कि वसीयत पे अमल करने की कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई, पिंक डायमंड नेकलेस जिसे आपकी मॉम ने पर्सनली डिज़ाइन किया था वो आपके पास नहीं है, उसका होना ज़रूरी है तभी आपको शेयर्स मिल पाएंगे। ये बात सुन लिनियो को कुछ याद आता है, वो कहने लगती है कि बॉस अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कुछ बोल सकती हूँ, उस दिन यांगशी ने मुझसे कहा था कि अगर लीजन को शेयर्स चाहिए तो उसे मुझसे शादी करना पड़ेगी, वो काफ़ी पुर उम्मीद थी, ज़रूर उसे इस बारे में पहले से पता था। लो जी, नाम लिया और चुड़ैल हाजिर हो गई, ये लड़की तो अपना बोरिया बिस्तर समेत पूरा सामान अपने साथ लेकर आ गई है, कहने लगती है कि ब्रदर मैं आ गई। लिनियो उससे बोलती है कि हम प्राइवेट बातें कर रहे हैं,
तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यांगशी कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, लीजिंग का घर ऑफिस के करीब है, सो मैं आपसे यहीं पे रहूंगी ताकि मुझे आने जाने में तकलीफ ना हो। फिर ये लड़की रूम में घुस जाती है और कहने लगती है कि आज से ये रूम मेरा है। लिन्यू कहती है कि तुम इस रूम में नहीं रह सकती, कोई और रूम पिक कर लो। वो पूछती है कि क्यों, क्या ये रूम तुम्हारा है? लिन्यू बोलती है कि नहीं तो, ये रूम मैंने अपनी जूनियर सिस्टर के लिए रिजर्व किया है, मैं तो अपने प्यारे हस्बैंड जी के साथ रहती हूँ। यांगशी कहती है कि ओ अच्छा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तुम्हारी जूनियर सिस्टर मेड्स रूम में भी रह लेगी, मुझे तो यही रूम चाहिए, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। जब यांगशी की नज़र लिन्यू के टॉयज पे पड़ती है तो वो कहने लगती है कि किस स्टूपिड को इस तरह के टॉयज पसंद हैं, क्या मजाक है, तुम्हारी हरकतें तो बचकाना है। लिन्यू कहने लगती है कि तुम तो अब्रॉड में थी ना, तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है, तुम किसी और की चीजों को इस तरह से कैसे फेंक सकती हो। यांगशी जवाब देती है कि कचरे को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, वैसे ये डॉल काफी क्यूट है, ब्रदर लीजन मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि नहीं, ये डॉल मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यांगशी लीजन से कहती है कि ब्रदर मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने आई हूँ, तुम मुझे एक डॉल भी नहीं दे सकते। ये सुन लीजन लिन्यू से कहता है कि इसे दे दो, मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा। ये बात सुन लिन्यू गुस्सा होती है और कहने लगती है कि तुम काफी बुरे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। ओहो, लिन्यू तो नाराज हो गई, यांगशी तो यही चाहती थी। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट बार देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हाँ कमेंट तो लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।